नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्य न्यूज़ टीवी। आई नज़र डालते हैं बिहार की कुछ खास खबरों की ओर। मैं आपके साथ विनोद कुमार। आपको बता दें, शेरघाटी शहर के वार्ड नंबर 20 स्थित जगलाल महतो नगर के संतोष महाविद्यालय परिसर में रविवार को मेगा कराटे अकेडमी का शुभारंभ मुख्य पार्षद प्रतिनिधि पवन किशोर, वार्ड पार्षद अनीता देवी, इमरान अली एवं पुष्पा कुमारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। अकेडमी की प्रशिक्षक मेघा कुमारी ने आए हुए अतिथियों को बुकें देकर स्वागत किया एवं कराटे के बारे में अहम जानकारियां दी। इस मौके पर आयोजक नागेंद्र कुमार ने सभी अतिथियों का धन्यवाद किया। इस मौके पर दिलीप कुमार, इमरान अली, जितेंद्र कुमार दांगी, कौशलेंद्र कुमार, नवीन मिश्रा, गगन सिंह आदि शामिल रहे। गैजला से मोहम्मद सईद की खास रिपोर्ट। मेगा कराटे कैसे, मतलब एक जेहन में आया कि हम कराटा सीखें? हम मेरा शुरू का पढ़ाई ये नवादा प्राथमिक विद्यालय नवादा से शुरू हुई है। उसके बाद मेरे पापा की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण मेरे को कस्तूरबा विद्यालय में हॉस्टल में डाल दिया गया था, तो वहीं से सिखाया गया। तो उसके बाद 12th की मैं प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय से, उसके बाद एक सर आए थे मेरे जो प्रशिक्षक हैं ये कोच, वो आए थे सिखाने प्रोजेक्ट में। तो मैं तो सीखी हुई थी पहले से, लेकिन बोले आप में है प्रतिभा, आप सीखिए। तो मेरी बड़े पापा की छोटी बेटी बिहार पुलिस अभी पोस्टिंग है अभी औरंगाबाद में, तो औरंगाबाद में वो बोले कि यहाँ पे हम सिखा रहे हैं, वहाँ पे सीखिए। तो हम वहाँ पे गए सीखे, क्योंकि हमें अच्छा लगता है, सीखना अच्छा लगता है, अपने डिफेंस, खुद को डिफेंस करना, हम किसी के सहारे नहीं हैं, इससे बहुत अच्छा लगता है सीखना। और सबसे बड़ा श्रेय हम देना चाहते हैं पापा को, वो हमें छूट दिए ये सब सीखने के लिए, कभी रोके नहीं, तो धन्यवाद। मतलब कितना दिन हुआ कराटा सीखे हुए? हमें तो 3 साल पहले सीखे थे, उसके बाद 1 साल 2 साल इधर सीखे, 5 साल। 5 साल लग गया कराटा से। और बिहार स्तर पे फाइट भी खेले हैं, मेरा 3रा स्थान दो बार है टूर्नामेंट, बिहार में 3रा स्थान है मेरा। अच्छा, वैसे नारी या बच्चियों को क्या कहना मैसेज देना चाहोगी, जो कहती है खुद को कि मैं अबला हूँ, मैं लड़की हूँ, क्या कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी? वैसे लड़की सब में प्रतिभा है, सीखना है। सारी लड़की लोग को हम ये एडवाइस देते हैं कि सारी गर्ल्स लोग लेडीज़ को भी देते हैं, जो माताएँ बहनें हैं घर में बैठी हैं, बाहर नहीं निकलती हैं, उन लोग भी सीखें, खुद ब खुद डिपेंड रहें, किसी पर डिपेंड नहीं रहना है, सेल्फ डिफेंस, खुद को डिफेंस करना है। सारे लोग आए सीखे, धन्यवाद। शहर शेरघाटी में एक नारी सशक्ति का मिसाल बनती हुई मेघा कुमारी, यहाँ पे मेघा कराटे एकेडमी खोला गया, क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे शहर के लिए एक्सप्रेस तो बहुत खुशी की बात है कि ऐसी प्रतिभा छिपी हुई थी जो कि अब सामने आई, और ये अपॉर्चुनिटी हमारे शहर के लिए, ये कराटे एकेडमी में मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एडमिशन लें, सेल्फ डिफेंस के गुण सीखें, और इससे शरीर का भी विकास होगा सबका, पूरे शहर का। इसलिए स्पेशल थैंक्स एंड आई वुड से कॉन्ग्रेचुलेशन टू मेगा, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव। एक और सवाल मेरे मन में है। जी जी, यहाँ तक मैं देखता हूँ जी, जैसे हमारे एक बड़े गार्जियन स्वरूप इमरान भैया ने भी कहा था कि खेलने कूदने के लिए भी मैंने अति आवश्यक है लोगों के लिए, बच्चों के लिए। हमारे शेरघाटी जैसे शहर में खेलने का, बच्चों के लिए खेलने का ग्राउंड की कमी है सर, यहाँ तक कि मैं देखता हूँ एक ग्राउंड जो था टीचर ट्रेनिंग का, वो भी टीचर ट्रेनिंग उसको घेराबंदी करके बंद कर दिया है, तो इसके इस पर अब क्या कहना चाहिए सर? ग्राउंड होना चाहिए शहर में जगह जगह। हाँ, ग्राउंड हमारे शहर में कमी है, एक ही ग्राउंड है रंगलाल हाई स्कूल, और हम लोग देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि कहाँ पे एक प्रॉपर सुविधा दे शहरवासियों को ग्राउंड के लिए, अभी एनालाइज कर रहे हैं, वो जगह खोजी जा रही है। आपने मेरी मन की बात छीन ली, मतलब ये बात मेरे मन में है और इसको धरातल पे लाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। 6 से 8 महीने में आप शहरवासियों को एक अच्छे ग्राउंड का सौगात मैं अवश्य दूंगा, और हो सके आने वाले टाइम में वैसी सुविधा भी दूंगा कि यहाँ पे डे नाइट मैचेस भी हुआ करेंगे, और भी जो दूसरे गेम्स हैं। धन्यवाद। छिपी हुई, बहुत अच्छा लगा जान के, और
मेरी बिटिया आपकी पहले शिष्या होगी। मुझे इस बात का गर्व है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप अपना ज्ञान जहां तक जो भी कोशिश होगा मैं इसका जगह जगह प्रचार भी करूंगा, जो भी मदद चाहिए मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूं। और एक बात जरूर कहूंगा, स्वस्थ तन में ही एक अच्छा मन विकास करता है और सेल्फ डिफेंस बहुत जरूरी है, हम सभी के बहुत जरूरी है। समारोह के मुख्य अतिथि नगर के मुख्य पार्षद नगर प्रतिनिधि पवन कुमार जी, इस वार्ड के वार्ड पार्षद पुष्पा कुमारी जी, एक अन्य वार्ड पार्षद हमारे लंबे समय से मित्रवत और बड़ी ही नज़दीकी मित्रता रखने वाले इमरान अली जी, और सामने में बैठे सम्मानित अतिथि छात्र छात्राएं, मेघा कराटे एकेडमी, एकेडमी शब्द एक ऐसा शब्द है जिसके आते ही मन में एक कौतूहल उत्पन्न होता है, कुछ न कुछ सीखना, एकेडमिक सीखना, नियमित सीखना। और अभी पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सारी बातों को कह करके गए कि यह एक अलग प्रकार का एकेडमिक है, एक अलग प्रकार का स्कूल है जिसके माध्यम से आत्म सुरक्षा से लेकर 9 बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है। अगला नहीं जान रहा ये जान रही है, इसलिए अपना डिफरेंस कर रही है। नहीं जान रहा अगला, यहाँ लगे हो ये मेरा शोल्डर पकड़ ली, सिंपल है, वैसे है, नहीं है मेरे पास यहाँ। गल्ला पकड़ लेता है, इसको कैसे पकड़ लिया, मेरे पास कोई आसानी है, बस सिंपल फिर।